अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिप्स वर्चुअल क्लास। सब्जेक्ट केमिस्ट्री, क्लास सेकंड ईयर, आई मिस हिरा। चैप्टर स्टार्ट लिया है हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट टॉपिक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्टडी कर लिए हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने इसके सोर्सेज पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसमें स्टडी किया कि हमारे पास कोल एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे यूज़ किया जाता है, यूजेज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास क्या हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज़ के बारे में देखा। तो फंक्शनल ग्रुप में हम लोगों ने स्टडी किया कि हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर क्या थी हमारे पास, और फिर हम लोगों ने स्टडी किया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो हाँ, यहाँ पर हम लोगों ने जो है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं अपने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किए हैं कि हमारे पास कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप हम लोग जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट कर सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है हमारे पास, होमोलोगो सीरीज़, ठीक है। होमोलोगो सीरीज़ हमारे पास होता क्या है, डेफिनेशन इसकी देख लें। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद द सेम जनरल फार्मूला, ये हमारे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका सेम जनरल फार्मूला होता है, इन विच वन मेंबर डिफर फ्रॉम द नेक्स्ट बाय मिथाइलिन ग्रुप, कि इसका एक मेंबर दूसरे मेंबर से डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ मिथाइलिन ग्रुप। हर एक मेंबर में जो है वो CH2 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। एक मेंबर दूसरे मेंबर से डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ CH2 ग्रुप। फिर देखें हमारे पास अ सीरीज़ ऑफ कंपाउंड्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन विच मेंबर डिफर फ्रॉम वन एन अदर बाय एडिशनल CH2 ग्रुप इज कॉल्ड अ होमोलोगो सीरीज़, कि हमारे पास एक मेंबर दूसरे मेंबर से डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ मिथाइलिन ग्रुप CH2 ग्रुप, और जिसको हम लोगों ने क्या बोला हुआ है, होमोलोगो सीरीज़ का नाम दिया हुआ है, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनकी डिफरेंट होमोलोगो सीरीज़ हैं हर एक कंपाउंड की। देखते हैं हमारे पास कि हमारे पास अ सीरीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच ऑल द मेंबर पोजेस सिमिलर स्ट्रक्चर फ्यूचर एंड केमिकल करेक्टरिस्टिक्स, कि हमारे पास ये ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऐसी सीरीज़ है कि जिसमें हमारे पास तमाम मेंबर जो हैं वो सिमिलर स्ट्रक्चर फ्यूचर और केमिकल करेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, लेकिन हर मेंबर दूसरे मेंबर से डिफरेंट होगा ऑन द बेसिस ऑफ मिथाइलिन ग्रुप, मिथाइलिन ग्रुप की बेसिस पर, और जिसको क्या नाम देंगे हम लोग, होमोलोगो सीरीज़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर जितने भी मेम्बर्स हैं वो डिफर होते हैं किस से दूसरे से ऑन द बेसिस ऑफ मिथाइलिन ग्रुप, CH2 को हम लोग मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं। ईच क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ इट्स ओन होमोलोगो सीरीज विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला, हर क्लास की अपनी होमोलोगो सीरीज है जिसको अपने जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर अल्केन की अगर हम लें तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज विच आर अरेंज्ड इन सिंगल बॉन्डिंग, ठीक है, जिसके अंदर तमाम सिंगल बॉन्डिंग होती है फ्रॉम अ सीरीज ऑफ कंपाउंड। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई जनरल फार्मूला CnH2n+2, वेयर एन शोज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द करस्पॉन्डिंग एल, ठीक है, अल्केन। और यहाँ पे हमारे पास जनरल फार्मूला CnH2n+2 आया है, तो हमारे पास n जो है नंबर ऑफ कार्बन होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, up to so on। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग एक होमोलोगो सीरीज़ देखते हैं यहाँ पे अल्केन की, जिसमें हम लोग सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे 1 है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है हमारे पास, CnH2n+2, ठीक है, और नेम विद सफिक्स और स्ट्रक्चर फार्मूला। सबसे पहले देखिए हमारे पास कार्बन नंबर 1 है CH4, ठीक है। CH4 क्यों हमारे पास, के कार्बन नंबर ऑफ कार्बन क्या है हमारे पास, 1 है, तो C1 हो गया प्लस C1 × H2 × N था, N की जगह 1 + 2, तो 2 × 1 = 2 + 2 = 4, CH4, तो ये क्या है, मीथेन CH4। इसी तरह से दूसरा अगर आप लोग देखें C2H8, तो C2H8 जो है वो हमारे पास क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 2 हैं तो C की जगह N की जगह पे 2 आ जाएगा, H2 × 2 = 2 × 4 + 2, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये क्या है हमारे पास, इथेन है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा प्रोपेन, जिसमें 3 कार्बन होंगे, C3 हो जाएगा, H8 कैसे होगा, तो वही C3H2
टू इंटू थ्री, टू थ्री ज़ार सिक्स प्लस टू, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। इसी तरह से उसी जनरल फार्मूला में ब्यूटेन को पुट करें तो सी फोर एच टू इंटू फोर, टू फोर ज़ार एट प्लस टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, टेन। इसी तरह से फाइव को करें तो सी फाइव एच टू इंटू फाइव, टेन प्लस टू तो ट्वेल्व। इसी तरह से सिक्स को करें सी सिक्स एच सिक्स इंटू टू, ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन, तो अप टू सो ऑन। अगर सी टेन पे अगर आप लोग आ जाएँ तो सी टेन एच टू इंटू टेन, क्योंकि एच टू इंटू एन प्लस टू होता है, तो एन की जगह पे टेन, टू 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 टेन आर ट्वेंटी प्लस हमारे पास टू, तो क्या आ जाएगा, ट्वेंटी टू। तो दीज आर द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन। ये क्या है, हमारे पास होमोलोगो सीरीज है अल्केन की, जो कि एक से हर एक में इसमें जो है वो डिफरेंस जो है वो किसका आ रहा है, मिथाइलिन ग्रुप का। देखें सी थ्री एच एट था, सी फोर एच टेन, तो सी एक सी का, सी थ्री सी फोर और एक टू का, ठीक है। एट से क्या हो गया हमारे पास, टेन हो गया। तो हर एक में सी एच टू ग्रुप का जो है वो डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह से हमारे पास इसकी क्या है, स्ट्रक्चर फार्मूला आप लोगों ने देखा। अब ये देखिए हमारे पास, इट इज़ क्लियर फ्रॉम अल्केन होमोलोगो सीरीज डैट ईच मेंबर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एडजेसेंट मेंबर बाय सी एच टू ग्रुप। हम लोगों ने अल्केन की पूरी होमोलोगो सीरीज को चेक किया तो ये दूसरे से डिफरेंट है सी एच टू की बेसिस पे। सिमिलरली देयर सीरीज कैन बी एक्सपेंडेड बियॉन्ड सी टेन टू हायर अल्केन्स, ठीक है। यहाँ से ये आ गया हमारे पास, हायर अल्केन्स के अंदर भी जो है इसी तरह से मिथाइलिन ग्रुप की बेसिस पे हम लोग जो है इसको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सिमिलर होमोलोगो सीरीज कैन बी डिवेलप, कुछ होमोलोगो सीरीज हमारे पास डिवेलप हुई हैं अल्कीन्स के लिए भी, अल्काइन्स के लिए, अल्कोहल्स, ईथरामाइंस, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की भी। मींस के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी अपनी हमारे पास होमोलोगो सीरीज है, जिसकी बेसिस पे हम लोग उनको डिफरेंट नेम्स देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे सी वन को दिया था हम लोगों ने मीथेन, फिर ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डीकेन। होमोलोगो सीरीज ऑफ अल्कीन को अगर आप लोग देखें तो जनरल फार्मूला ऑफ होमोलोगो सीरीज ऑफ अल्कीन इज सी एन एच टू एन, वहाँ पे था सी एन एच टू एन प्लस टू, यहाँ पे है सी एन एच टू एन, ठीक है। वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यहाँ पे भी एन जो है वो किसको शो कर रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को शो कर रहे हैं। बिकॉज अल्कीन्स आर हाइड्रोकार्बन विद एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, द अल्कीन होमोलोगो सीरीज स्टार्टेड। ये हमारे पास होमोलोगो सीरीज ऑफ अल्कीन जो है वो होगी, क्योंकि अल्कीन जो है वो हमारे पास वो है जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। मींस के अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी होता है। और इथाइलीन सॉरी इथीन अल्कीन जो है वो स्टार्ट होती है हमारे पास किससे, इथीन से, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा कि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है। वहाँ पर फर्स्ट मेम्बर ऑफ अल्केन इज़ मीथेन, यहाँ पर फर्स्ट मेम्बर ऑफ अल्केन इज़ इथीन, क्योंकि वहाँ पर मीथेन के अंदर सिर्फ एक कार्बन यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने अल्कीन के अंदर कहा है कि ये हमारे पास अनसेचुरेटेड कार्बन से, और इसमें हमारे पास एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम ज़रूर होगा, ठीक है हमारे पास। अब देखिए हमारे पास इसका जनरल फार्मूला, हमने कहा सी एन एच टू एन है तो इथीन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे पास टू आ जाएंगे, तो सी टू सी एन एच टू एन था ना, ठीक है, तो टू इंटू टू फोर हो गया सी टू एच फोर। फिर इसी तरह से प्रोपीन है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम थ्री है, सी थ्री एच टू इंटू एन था, तो टू इंटू एन, एन की जगह पे थ्री लगा लिया तो टू थ्री ज़ार सिक्स। इसी तरह से ब्यूटीन है तो सी फोर है एच टू इंटू फोर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। सी फाइव है एच टू इंटू फाइव, टेन। सी सिक्स है एच टू इंटू सिक्स, तो इक्वल टू ट्वेल्व, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्जीन हेक्जीन आ जाएगा। तो मींस के यहाँ पे भी जो डिफरेंस आ रहा है वो किसकी बेसिस पे आ रहा है, सी एच टू मिथाइलिन ग्रुप की बेसिस पे। हम लोगों ने अल्कीन को भी जो है वो डिफरेंट नाम दिए, जैसे वहाँ पे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, यहाँ पे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्जीन, हेप्टीन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिफरेंट होमोलोगो सीरीज़ हैं। अल्केन की आपकी बुक में स्टडी दी हुई थी अल्कीन, और इनकी वहाँ पे एग्जांपल हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने डिटेल में जाके देखा कैसे हमारे पास एक पुट करते हैं, कैसे इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है, क्या इसका फार्मूला है, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं इसमें यूज़ होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है होमोलोगो सीरीज ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस आर आल्सो द अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बिकॉज इट कॉन्टेन्स एटलीस्ट वन ट्रिपल
बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन के दरमियान एक ट्रिपल बॉन्ड का होना जो है वो हमारे पास ज़रूरी है। द अल्काइन कंप्राइसेस अ सीरीज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बेस्ड कंपाउंड्स डेट कॉन्टेन एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड। दिस ग्रुप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड होमोलोगो सीरीज विद अ जनरल मॉलिकुलर फार्मूला। अल्केन का था CnH2n+2, अल्कीन का था CnH2n और अल्काइन का है CnH2n-2, वेयर एन इक्वल्स एनी इंटीग्रल ग्रेटर देन 1। यहाँ पे जो है एन जो है वो किसकी इक्वल है, वन किसी भी इंटीगर के, लेकिन वो हमारे पास क्या होना चाहिए, वन से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, C2H2। ठीक है, सबसे पहला मेंबर इसका क्या है, इसका भी इथाइन है। इस देखें अल्केन के अंदर मीथेन से स्टार्ट हुआ, जबकि अल्कीन और अल्काइन के अंदर इथीन और इथाइन से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने कहा है कि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का होना ज़रूरी है। तो इसका जनरल फार्मूला है CnH2n-2, तो एन जो है वो वन से ग्रेटर होना चाहिए। तो सी टू से स्टार्ट लें, एच टू टू इंटू टू माइनस टू, टू टू ज़ार फोर, तो माइनस टू करेंगे, फोर माइनस टू तो टू हो जाएगा। इसी तरह से प्रोपाइन का देखें, C3H4 है। ठीक है, अब C3H4, तो C3 हमारे पास H4 कैसे आया, तो H2 इंटू थ्री सिक्स माइनस टू, तो सिक्स में से माइनस टू करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फोर आ जाएगा। इसी तरह से ब्यूटाइन का भी है C4H6। C4 जनरल फार्मूला क्या है, CnH2 इंटू एन, टू 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 की जगह पे फोर लगाएंगे, माइनस टू फोर ज़ार एट माइनस टू, तो क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, यहाँ पे वन वन क्या शो कर रहा है कि वन पे हमारे पास क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। कार्बन नंबर वन के ऊपर ही हम लोग क्या करेंगे, अपना एक ट्रिपल बॉन्ड जो है वो शो कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास होमोलोगो सीरीज किसकी थी, अल्काइन की। अल्कीन की देखी हमने, अल्केन की देखी, अल्काइन की देखी, तो सब में डिफरेंस जो है वो किसकी बेसिस पे आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ CH2 की बेसिस पे आ रहा है। ठीक है, एक हमारे पास फिर देखते हैं हम लोग होमोलोगो सीरीज ऑफ अल्कोहल। द अल्कोहल्स आर द होमोलोगो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे ऑल कंटेन द फंक्शनल ग्रुप। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप कंटेन करता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, जो कि किस चीज़ को शो करता है कि हमारे पास अल्कोहल ग्रुप है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। ठीक है, द नेम ऑफ अल्कोहल्स एंड विद ऑल, अल्कोहल जो है वो एंड हो रहा है अल्कोहल से, फॉर एग्जांपल इसका पहला मेंबर कौन सा होगा, इथेनॉल। द फर्स्ट थ्री अल्कोहल्स इन द होमोलोगो सीरीज आर, सॉरी यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट मेंबर जो है वो मिथेनॉल से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, और जो है थ्री होमोलोगो सीरीज, मिथेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, फिर ब्यूटानॉल, पेंटानॉल, हेक्सानॉल, ऑक्टानॉल। यहाँ पे हम लोगों ने करना क्या है कि हमारे पास अल्कोहल्स का जो है CH4 में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम लोग कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप OH का लगा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, मिथाइल अल्कोहल, या इसको हम लोग बोलेंगे मिथानॉल। ठीक है, जैसे अल्केन के लिए एन ई था, अल्कीन के लिए ई एन ई था, आयन के लिए वाई एन ई था, और यहाँ पे ओल के लिए जो है नो ओ एल यूज़ कर लेंगे। ठीक है, फिर इथेनॉल के लिए C2H2 से निकला, ए एन ई को रिप्लेस कर देते होते हैं ओ एल से, ई टी एच ए एन ई को किससे रिप्लेस कर दिया हमारे पास, ओल से, तो हमारे पास इथानॉल बन गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इथेन के अंदर C2H6 होता है, तो H को वहाँ से, एक H को वहाँ से रिप्लेस करेंगे, OH लगा देंगे, तो इथानॉल बन जाएगा। इसी तरह से C3H8 है, तो एक H को रिप्लेस करके हम लोग OH लगा लेंगे, तो वो हमारे पास प्रोपेनॉल। इसी तरह ब्यूटानॉल में C4H10 होता है, एक H को रिप्लेस करके OH लगाएंगे तो ब्यूटानॉल। फिर हमारे पास इसी तरह से पेंटानॉल आ जाएगा, C5H11 और OH, क्योंकि 12 होता है, तो एक H को रिप्लेस कर देंगे, तो उसकी जगह पे हम लोग क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि हमारे पास होमोलोगो सीरीज़ जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है वो शो करती है ऑन दी बेसिस ऑफ मिथाइलिन ग्रुप। फिर हमने कहा कि डिफरेंट मिथाइलिन ग्रुप, डिफरेंट होमोलोगो सीरीज़ है डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, स्टडी की हम लोगों ने, अल्केन की, अल्कीन की, अल्काइन की, अल्कोहल की। ठीक है,
अब उसके बाद जो है हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं होमोलोगो सीरीज़ के, दे हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, इनका सब फंक्शनल ग्रुप सबका जो है वो हमारे पास क्या था, अल्केन का जो है सिंगल बॉन्ड था, अल्कीन का डबल बॉन्ड था, अल्काइन जहाँ पे भी होगा ट्रिपल बॉन्ड होगा, ऑल अल्कोहल जहाँ पे भी होगा OH होगा। दे हैव द सेम जनरल फार्मूला फॉर रिप्रेजेंटेशन, सेम जनरल फार्मूला था रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास, अल्केन के लिए था CnH2n+2, अल्कीन के लिए CnH2n, अल्काइन के लिए CnH2n-2 था, ठीक है। और हमारे पास जो है वो अल्कोहल के लिए है CnH2n+1OH, ठीक है। तो हमारे पास CnH2n+1 × OH। तो इसी तरह से दे हैव द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, इनके मेथड जो हैं वो हमारे पास जनरल होंगे। दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम होती हैं। और एडजेसेंट मेंबर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बाय CH2 यूनिट, हर मेंबर जो है जुड़ा हुआ कार्बन दूसरे कार्बन से जो है वो डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ मिथाइलिन ग्रुप CH2 की बेसिस पे, ठीक है। टास्क आप लोगों का ये है कि इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा, और यहाँ पे जितने भी होमोलोगो सीरीज़ हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब को जो है आप लोगों ने जो है वो अपने पास लिखना है और इनको याद करना है।